हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रूबी शरफ ब्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ इंदलोक थर्सडे मार्केट। आज कौन कौन मार्केट गया था भाई, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या क्या शॉपिंग की है आज, बहुत सारे लोग मुझे मिले। और ज्यादातर जो लोग थे ना, वो शादी की शॉपिंग के लिए बहुत आए हुए थे, होलसेल सूट लेने के लिए, साड़ी लेने के लिए, स्पेशली सूट और साड़ी के लिए। तो बहुत सारे लोग मुझे आज मिले हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि वो वाली शॉप कहाँ है, ये वाली शॉप कहाँ है। तो अगर आप लोगों को मार्केट आ रहे हो, कोई कंफ्यूजन है ना, तो मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि एक बार लोकेशन मैप का वीडियो ज़रूर देख के आया करो। इस मार्केट में क्या क्या, कौन कौन सी फेमस शॉप है ना, वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इस मार्केट में आने से पहले कि कहाँ से आपको एथनिक लेना है। ज़्यादातर एथनिक की ही यहाँ पर शॉप्स हैं, वेस्टर्न बहुत कम मिलता है, कहीं कहीं पर मिलता है पटरी पर, अदरवाइज़ नहीं मिलता है वेस्टर्न। बाकी फुटवेयर अच्छे मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, बच्चों के भी, बड़ों के भी, और बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेंस वेयर, मेंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। जैकेट्स आजकल बहुत अच्छी आई हुई हैं मेंस की, पहले तो फेस्टिवल टाइम पे कुर्ते वगैरह भी बहुत अच्छे थे, पर अब जैकेट्स बहुत अच्छी आई हुई हैं मेंस की, काफ़ी अच्छी। हर जगह ढूंढ के, ढूंढना पड़ेगा, सेल लगी हुई है, पर वो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ता है कि कहाँ पर है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया रेट में इस मार्केट में मिल रही थी आज। और इस मार्केट में आने के लिए, जिन्हें इस मार्केट के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूँ, थर्सडे वाले दिन ही आपको आना होगा यहाँ पे। और इंदलोक मेट्रो स्टेशन आपको आना है, उसके गेट नंबर 5 से आना है, और उसके बाद उसके नीचे से मार्केट शुरू हो जाती है। मेट्रो स्टेशन के नीचे का पटरी मार्केट 9 बजे और उसके बाद ही लगता है, शाम के 5-6 बजे तक लगा रहता है। मार्केट सुबह 7 बजे लग जाती है, अंदर की मार्केट और पटरी मार्केट 7-7:30 तक, शाम के 5-6 बजे तक लगी रहती है। बहुत बार बता चुकी हूँ, लोकेशन काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ, होप्सो आपको पता होगा कि मेट्रो स्टेशन से कैसे आना है। ऑलमोस्ट मैं हर वीक अपनी किसी ना किसी वीडियो में दिखाती हूँ कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 कौन सा है, कौन से गेट से आपको एंट्री करनी है, और किस गली में आपको पहले आना चाहिए, और उसके बाद से आपको कहाँ कहाँ घूमना है इस मार्केट में, ठीक है। तो मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप उठा के देख सकते हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। मैं जो पहली शॉप ये कवर कर रही हूँ, ये है आमिर कलेक्शन की, और ये शॉप आपको मिलेगी सबा नर्सिंग होम वाली गली में, उसकी गली में है, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी, जो तिराहा है उसके ऊपर इनकी शॉप है भैया की। और ये शॉप आपको थर्सडे के अलावा बाकी डेज भी ओपन मिलेगी, फ्राइडे के अलावा, मतलब फ्राइडे को ऑफ रहता है, यानी कि सैटरडे टू थर्सडे आपको ये शॉप ओपन मिलेगी। बाकी डेज में आपको सुबह 11 बजे ये मिल जाएगी शॉप ओपन, और शाम के 5-6 बजे तक ओपन रहती है, और थर्सडे को सुबह ओपन हो जाती है 7:30 बजे तक। पहले 7 बजे तक ओपन हो जाती थी शॉप, अब शायद सर्दी है या कुछ कमेटी का इशू है, तो मैंने नोटिस करा है कि 7:30 तक ओपन होती हैं ज़्यादातर शॉप। 7 बजे 2 या 3 ही शॉप ओपन होती हैं, जैसे कि गुट्टू भाई की ओपन हो जाएगी, अथर भाई की, सचिन भाई की, सलमान भाई जो साड़ी वाले हैं उनकी भी, ऐसे कुछ शॉप्स ओपन होती हैं सुबह सुबह। अच्छा, आज मैंने सलमान भाई की भी शॉप कवर करी है, तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनका परिधि, आई थिंक मैंने, अगर मैम गलत नाम ना लिया हो आपका, तो परिधि से ही मुझे आपका मैसेज आया था, तो मैंने इस बार आपके कहने पे मैंने सलमान भाई की भी शॉप कवर करी है। बस मैं वहाँ इसीलिए कवर नहीं करती, वहाँ थोड़ा लाइटिंग इशू बहुत होता है, तो कैमरे की जो विजिबिलिटी है ना, वो इतनी अच्छी नहीं रहती, बस इस वजह से मैं उनकी शॉप कवर नहीं करती हूँ। पर आज मैंने करी है, तो आप देख लेना, इसके मतलब बने रहो वीडियो में, आगे मिल जाएगी आप लोगों को। आमिर भाई की जो शॉप है, जो आप कुर्तीज़ देख रहे हैं, मतलब 2-पीस कुर्ती है, 2-पीस मतलब कुर्ती प्लस पैंट है, ये 350 वाली देख रहे हैं अभी आप, और इनके पास आपको कॉटन और रियॉन कॉटन के ही आइटम्स मिलते हैं। विंटर का कुछ नहीं मिलेगा इस शॉप में, आपको कभी नहीं मिलेगा, आगे वाले महीनों में भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको यही कलेक्शन मिलेगा। डेली वेयर के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट ड्रेसेस हैं यहाँ पे, और हल्के फुल्के आपको कहीं आने जाने में पहनना है तो आप पहन सकते हैं, बस इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेट के हिसाब से क्वालिटी है, सच बताओ इनकी शॉप की, पर वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट शॉप है ये इंदलोक की। तो आपको किसी को भी अगर कुछ ऐसा लेना है सूट, तो ले सकते हैं। डबल एक्सेल मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पर मिलेगा, 3XL 4XL का कोई एक आधे पीस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, मिलते हैं, कभी 3XL का मिल जाता है, कभी 4XL का। काफ्तान यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, काफ्तान सेट और कॉर्ड सेट भी मिल जाते हैं। ये काफ्तान ही है शायद, ये वाला जो मैंने देखा अभी काफ्तान है, और 450 वाला जो सेट मिलेगा आपको, उसमें आपको दुपट्टा भी मिल जाएगा, और 350 वाले में दुपट्टा नहीं होता है, कोई कोई एक पीस में आपको एक आधे पीस में मिल जाता है दुपट्टा। ये 450 वाला है जो भी आप देख रहे हैं, इसमें देखो दुपट्टा साथ में है, ये कॉटन का दुपट्टा है इसके साथ, और ये 450 का है। ऑनलाइन जितने भी होते हैं ना, वो यहीं से ही जाते हैं भैया के पास से, मीशो और मिंत्रा पे जो
आप ऑनलाइन चेक करते हो ना, कॉटन के जो सूट्स हैं वो भैया के यहाँ से ही जाते हैं, से भी जाते हैं, मतलब और जगहों से भी जाते होंगे पर इनके यहाँ से भी जाते हैं। भैया ऑनलाइन का भी करते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली आके ले सकते हो तो आके ले लेना। और ये भैया ऑनलाइन देते नहीं हैं, तो इसलिए मैं इनका नंबर नहीं मेंशन कर रही हूँ, देंगे ही नहीं, इनका पक्का फिक्स रहता है, बिल्कुल मानते नहीं हैं बात को। ये थ्रेड वर्क हो रखा है इस पे सूट पे पूरा, ये देखो पूरा बैग पे भी अच्छे से है, कोई पेस्टिंग नहीं है। ये अच्छा लग रहा था 450 के हिसाब से ये वाला सूट। अगर किसी को लेना है, दिल्ली से बाहर से कोई आया हुआ है, उन्हें खरीदना है तो ले सकते हैं आकर यहाँ से। बस ऑनलाइन नहीं देते, थोड़ा सा ही ड्रॉबैक बोलो भैया का कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तो दिल्ली से बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो लेना पसंद करते हैं इनकी ड्रेसेस। ये कॉट सेट है पर्पल कलर का है, कलर तो देखो सारे समर वाले ले रखे हैं भैया ने, देख के वही समर वाइब्स ही आ रही हैं। पर हम दिल्ली वाले जो स्पेशली हैं उन्हें तो विंटर्स वाले कपड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं फिलहाल। तो हर तरह के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, नायरा कट भी हैं, इस तरह का कॉट सेट भी मिल जाएगा। ये मैंने इसी बार देखा था इस तरह का भैया के पास, पूरा ऐसे कढ़ाई शढ़ाई वाला, ये फर्स्ट टाइम था। कुछ पीसेस तो एकदम नए थे जो इसी बार आए थे। एवरी वीक इनका चेंज होता रहता है, कुछ तो आपको पुराने हफ्ते वाले जो लास्ट वीक आपने देखे होंगे वो भी मिल जाएंगे, ज़्यादातर आपको नए पीस मिलेंगे। 450 वाले जो सेक्शन है ना उसमें तो मिल जाते हैं। यह अभी मैं आपको सबा नर्सिंग होम वाली गली है ना उसी में ही हूँ, और उसी के ही अभी नेक्स्ट जो दो वीडियो और होंगे वो इसी गली के होंगे। उसके बाद में आगे सबा नर्सिंग होम से जब आप सीधा चलते हैं ना तो सामने टी पॉइंट आता है जहाँ बरगद का पेड़ है, वहाँ से राइट होएंगे ना आप तो उसके आगे आगे ही चलूँगी, मतलब मेरे को सीधा सीधा चल रही हूँ मैं और टी पॉइंट से राइट हो जाऊँगी। ये भैया के साइड वाली शॉप में बेडशीट मिल रही थी 300 रुपये की और 200 रुपये की। 300 वाली जो थी डबल बेड की थी जिसमें पिलो कवर आपको नहीं मिलेंगे, ये वाली ये देखो इस तरह से थी, और 200 रुपये वाली सिंगल बेडशीट थी वो भी काफ़ी बड़ी साइज़ में थी। और ये सारी वॉर्म बेडशीट्स हैं जो वेलवेट वाले फैब्रिक की होती है ना वो वाली हैं। ये जो डबल बेड की थी ना मुझे उसमें 2-3 ही कलर दिखे, ज़्यादा दिखे नहीं थे या भैया ने निकाले नहीं थे तब तक, तो मुझे 2-3 ही मिले थे उसमें कलर, पर क्वालिटी अच्छी थी इनकी। ये पहले सर्दियों की सॉरी गर्मियों की दे रहे थे कॉटन, वो जो जयपुरी बेडशीट होती हैं, अब इनकी विंटर हो गई हैं। ये मैं आ गई हूँ सलमान भाई की शॉप पे, और ये वाली जो साड़ियाँ हैं ये हैं 350 की। बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं होती हैं, लाइट वेट होती हैं। इसमें कुछ तो लाइट वेट बहुत थी, कुछ हैवी भी थी, ऐसा नहीं था, बिल्कुल ही लाइट वेट होती हैं। लेने देने के पर्पस से, खुद पहनने के पर्पस से, आप किसी भी पर्पस से 350 बहुत ही रिजनेबल रेट है यार, आराम से आप खरीद सकते हो। ब्लाउज के साथ हैं और ये साड़ियाँ, और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ पन्नी में से निकलवा के खुलवा के अच्छे से अलट पलट करके देख कर ही लेना, जल्दबाजी में लेके मत निकलना यहाँ से। ये वाली 450 वाली है, हमेशा मैं कहती हूँ इस चीज़ को हमेशा ध्यान दो भाई, लॉट का माल है, इन्हें भी नहीं पता होता है कई बार कहाँ पे कट है, कहाँ से कुछ धागा खिंचा हुआ है, क्या है कुछ नहीं पता होता है। आप पैसे लगा रहे हो, तसल्ली से अच्छी जगह पे लगाओ ज़्यादा अच्छा है। बस ये मत सोचना कि हाँ कलर बहुत अच्छा है चलो चलो इसी को लेके चलो, एक बार ज़रूर ओपन किया करो यार, और भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर जिसे है ना उनसे लो ही मत, मैं तो कहूँ, अगर वो पन्नी से भी नहीं खुलवा के दिखवा रहे हैं तो आपको, भाई हर पैसे की वैल्यू होती है। ये सूट दिखा रही हूँ मैं एक इसी शेम कह रही हूँ इसी सेम शॉप पे हैं, ये 350 के ही हैं ये वाले सूट भी, इससे ऊपर रेंज के भी मिल जाते हैं पर ये वाले 350 के हैं भैया के पास। ये अभी भैया के पास फिलहाल तो समर का ही आइटम आया हुआ है, विंटर का नहीं मुझे कुछ भी दिखा। कुछ आगे आने वाले हफ्तों में कुछ विंटर्स का दिखेगा तो मैं कवर करूँगी। यहाँ पे जैसे कैमरे की ना वो बड़ी हिलती है, देखो ये जैसे हिलता है ना ऐसा कुछ कुछ हो जाता है इसकी लाइट्स में। ये एडवोकेट करके इनकी शॉप के बाहर बोर्ड है और ये वाली शॉप है इनकी, इस शॉप के बिल्कुल इस शॉप मेरा श और स में क्या डिफरेंस आ रहा है यार, आज मुंह पे जम नहीं रहा। इस शॉप के बिल्कुल सामने ये हैं, ये भैया पहले कुर्तियाँ लाते थे 350 की आपको ध्यान हो तो, अब इन्होंने इस बार ये लेकर आए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम भी भैया लाएंगे, भैया ने कहा था इस तरह के पजामे। ये 250 का पजामा है, वैसे तो मुझे जेंट्स के लग रहे थे पर गर्ल्स तो गर्ल्स हैं, वो तो किसी के भी कपड़े पहन सकती हैं, तो अगर लड़कियों को लेने तो वो भी पहन सकती हैं। इसमें डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल साइज दिख रहे थे, वॉर्म है ये अंदर से सही थे ठीक है। अब मैं सामने जो बरगद का पेड़ है उससे हो गई हूँ राइट, जहाँ पे अथर भैया है ना वो धासु कुर्ती वाले भैया,
उनके साथ वाली शॉप पे है यूं, मतलब यूं ये, और ये आपको बच्चों के और बड़ों के दोनों ही जैकेट थे, ये 250 की मिल रही थी। इसमें कुछ मीडियम और लार्ज साइज़ थे, बड़ों के सिर्फ यहाँ तक थे, बाकी बच्चों के साइज़ थे यहाँ पे, वो भी आपको 250 के मिलेंगे। वॉर्म है ये, और हुडीज़ राउंड नेक में भी थे, जिपर भी थे, पर क्वालिटी बहुत अच्छी थी यार, और सब फ्रेश हैं। इनको छू के पता चल रहा था कि क्वालिटी में कुछ बात है। 1100-1200 इनकी MRP लिखी हुई थी जो मैंने नोटिस करी थी, उस हिसाब से 250 में बहुत अच्छे मिल रहे थे यार, वाओ थे। मैं तो कहूँ ये पिछली बार भी थे, इस बार भी थे, होप सो नेक्स्ट टाइम भी मिल जाएंगे आपको। इनके पास पेंट भी मिल जाती है, मैंने वो कवर नहीं करी थी, और बच्चों की अगर पेंट चाहिए तो वो भी मैंने पहले कवर की हुई है, पर वो पेंट्स उनके पास। जीन्स भी मिल जाती हैं, और जो वार्म पजामीज होते हैं ना, पजामे टाइप, वो भी मिल जाते हैं। 12-13 से भी प्लस साइज में यहाँ पर थे, ठीक है। इससे जस्ट आगे आकर मैंने ये कवर किया है, आपको मैं बताती हूँ मैं हूँ कहाँ पे। डिस्पेंसरी का जो साइड है ना, साइड वाली जो वॉल है जहाँ पे हारून भैया बैठते हैं, उसके अपोजिट है ना एक वो है, केमिस्ट की शॉप है, ठीक है। आप देखोगे ना राइट साइड में केमिस्ट की शॉप है, उसके साइड में ना भैया लगाते हैं ये कॉट सेट वाले भैया, ये गर्मियों के भी रखते थे 350 की कुर्ती, जो पाकिस्तानी कुर्ती रखते थे पहले, और अब इस तरह के वॉर्म ये लेकर आए हुए थे। 700-800 की रेंज में थे ये, पार्टी वेयर थे, पर ये सारे क्वालिटी अच्छी है, और डबल एक्सल साइज मैक्सिमम था। देखो पूरा कितना अच्छे से इसकी स्टिचिंग कर रखी है यार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। कहते ना इस वेलवेट के होते हैं, लेकिन इनमें भी क्वालिटी क्वालिटी की बात हो जाती है। ये समर्स के हैं ये वाले, कुछ पीस थे समर्स के जो भैया ने निकाले थे, बाकी ये देखो सारे पार्टी वेयर कॉट सेट्स हैं विंटर्स के, जितने आप देख रहे हैं। साइजेस हैं, कलर्स हैं, इनके बिल्कुल साइड में ये वाले भैया मिले थे। इनके पास यार अगर किसी को वेस्टर्न ढूंढ रहे हैं ना, वो मैंने ढूंढा है, ये वो यहाँ मिल जाएगा आपको। रैंडम पीस है, पजामा भी मिल जाएगा, टॉप भी मिल जाएगा। बड़ी गर्ल्स का, बड़ी गर्ल्स लाइक हम लेडीज़ क्यों बोलूँ, बड़ी गर्ल्स बोलते हैं हम अपने आप को, बड़ी गर्ल्स का आपको मिल जाएगा 200 रुपये में। ये सब 200 रुपये वाले हैं, थोड़ा छोटा साइज़ चाहिए बच्चों का और स्मॉल साइज़ तक, वो आपको मिल जाएगा 100 रुपये का, इनके पास ये मिलता है। और ये आपको थर्सडे के अलावा ये वाले भैया मिल जाएंगे, अगर आप थर्सडे को नहीं आ पा रहे हो अपने वेस्टर्न का कोई भी शॉपिंग करने, नो इश्यूज़, आप सैटरडे आओ, संडे आओ, मंडे आओ, ट्यूसडे आओ, एनी डे, ये आपको मिलेंगे आराम से, ये इन्हीं कपड़ों के साथ, ठीक है। और ये अगले हफ्ते भी लेकर आएंगे, ये सब देखो इस तरह के आइटम्स होंगे। ढूंढो, मैंने ज़्यादा सर्च नहीं करा एक एक चीज़ पर। ये वाला जो है ना पीस, ये सब 100 रुपये वाला है, ये इस तरह की क्वालिटी आपको 100 में मिलेगी। पुराना नहीं है, ये टैग लगे हुए हैं, तो चिंता मत करना, बाकी अपने आप खुद सर्च करना, अगर आपको पुराना लग रहा है कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो मत लो, ठीक है। पर एक बार आके ज़रूर देखो, मुझे सही लग रहे थे ये, और सारे विंटर से हैं, सारे विंटर के रिलेटेड हैं। नॉर्मल हल्के फुल्के भी थे, थोड़े से मोटे वाले स्टफ में भी थे। देखो पूरा यहाँ पे केमिस्ट की शॉप है, उसके बाहर लगाते हैं ये भैया, तो कभी भी आप आओगे तो यहाँ पर इन्हें पाओगे। ये देखो पीछे केमिस्ट की शॉप दिख रही है ना, तो उससे अब आपको आइडिया हो जाएगा, एक ही ये केमिस्ट की शॉप है यहाँ पर। ये इस तरह की कुछ ड्रेस थी, मुझे समझ नहीं आई थी, नीचे तो पैंट थी और ऊपर श्रग था, बीच का कहाँ था वो नहीं मुझे समझ में आया, श्रग में कोई बटन्स भी नहीं थे। तो रैंडम ऐसे पीसेस थे इनके पास, पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने कवर किया था। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कुछ नया आइटम आ रखा होगा तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगी इनकी ये शॉप, और थोड़ा अच्छे से तसल्ली से करके आऊँगी। आगे आ गई हूँ मैं ये फ्रॉक वाले भैया के पास, इनके मैंने पहले भी कवर किए हैं। सब फ्रॉक्स आपको 350 की रेंज में मिलेंगे, और ये वाले जो 350 वाले हैं, ये 5-6 साल तक के बच्चों के थे, ठीक है। इससे बड़ा साइज आपको 700-750 का मिलेगा, बड़ा साइज मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल तक की बेबी गर्ल का फ्रॉक मिल जाएगा, पार्टी वेयर फ्रॉक। शादियों में तो यार फ्रॉक ही बनाते हैं, इनर विनर के साथ ही, अब भी मैंने देखा है। तो अगर किसी को ढूंढ रहे हैं लेना है तो यहाँ ले सकते हैं। शोएब भाई के थोड़े रेट मुझे मालूम है आप लोगों को थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, इस रेंज में आपको सही मिल जाएंगे। और ये वाले फ्रॉक ये देखिए, इसमें छोटा 350 वाला है, जो बड़े वाले हैं वो 700-750 की रेंज में है ये वाले, ये जो बड़े वाले हैं ना। और इनके पास एथनिक भी मिल जाएगा आपको, जो लहंगा वहंगा और सूट है ना वो भी मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, टाटा।